दोस्तों, मैं राधिका, आर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बचे हुए चावल का बहुत ही टेस्टी और मजेदार नाश्ता बनाने वाले हैं, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। आपके घर जब भी चावल बचे तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रात के बचे हुए चावल लिए हैं। यदि इसे कप से नापेंगे तो ये 1.5 कप चावल है। अब चावल को हम मिक्सर जार के अंदर डाल लेंगे, साथ ही में 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे पीस कर इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से आपको यहाँ पर पेस्ट रेडी करना है। इसमें चावल के दाने बिल्कुल नहीं देने चाहिए। अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर चावल के पेस्ट की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, इसी तरह का आपको यहाँ पर पेस्ट रखना है। एकदम ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए पीसते समय एकदम ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि चावल में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप सूजी यानी कि रवा। आप यहाँ पर मोटा या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दही। तो दही यहाँ पर एकदम ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर फ्रेश दही का यूज़ करें। और साथ ही में उसी कप से हम पानी डाल देंगे जिस कप से हमने यहाँ पर दही लिया है। तो 1/2 कप इसमें हम पानी डाल देंगे। अब अच्छी तरह से सारी सामग्री को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर बैटर एकदम ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है। अभी ये भले आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ये बहुत पतला है, लेकिन जैसे जैसे सूजी फूलेगी तो ये बैटर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो अच्छी तरह से सूजी और दही को हम मिक्स कर देंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लम्स फ्री बैटर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस बैटर को हम ढक करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो ये बैटर है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और हमने सूजी का यूज़ किया है तो सूजी भी अच्छी तरह से फूल जाए। अब एक तड़का पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। तो राई यहाँ पर अच्छी तरह से चटक गई है। इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 कड़ी पत्ते, जिसे मैंने रफली इस तरह से तोड़ लिया है। और फिर इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप मूंगफली के दाने, जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। अब इन्हें हम थोड़ी देर के लिए चलाते हुए पकाएंगे, ताकि जो मूंगफली के दाने हैं वो भी हल्के से पक जाए। यहाँ पर आपको मूंगफली के दानों को रोस्ट या फ्राई करके बिल्कुल नहीं लेना है। कच्चे ही मूंगफली के दाने को आपको इस तरह से क्रश करके डालना है। जब हम इस तरह से इसे तड़के में पकाएंगे तो बहुत ही इजीली से पक जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो तड़का है ये बनकर तैयार हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे और तड़के को हल्का सा ठंडा होने देंगे। 15 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा बैटर है वो भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। जो बैटर है वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा थिक हो गया है। तो हमने जो तड़का बनाकर रखा है उस तड़के को हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से पूरे तड़के को हम बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे। तड़का लगाने से इस नाश्ते का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, तो आप इस नाश्ते को तड़का लगाकर ही बनाइएगा। अब इस नाश्ते का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, जिसके बीज मैंने हटा दिए हैं और इसे छोटा छोटा कट कर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। यदि आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सब्जियाँ आपको पसंद हो, और जो सब्जियाँ आपको पसंद नहीं हो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों को हम इस बैटर के अंदर। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। 1/2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला। और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच खाने का सोडा। साथ ही में बिल्कुल थोड़ा पानी डाल देंगे, ताकि जो सोडा है वो पूरे बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो अच्छी तरह से हम सोडा डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। सोडा डालने से जो नाश्ता है बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है। सोडा भी अच्छी तरह से बैटर के अंदर मिक्स हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर एक अपे स्टैंड लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छी तरह से पके और जब हम उसे निकालें तो वो बहुत ही इजली से निकल जाए। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही आपको ऑयल डालना है। जैसा कि मैंने आपको कहा है, बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। जब भी आपको कम मेहनत में कुछ टेस्टी नाश्ता खाने की इच्छा हो और आपके घर चावल बचे हो तो इसे आप बनाकर जरूर खाइएगा। अब जो हमने बैटर रेडी किया है उस बैटर को हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच बैटर को हम इस तरह से फिल कर देंगे।
बैटर को एकदम ज्यादा ढेर सारा भी नहीं भरना है और एकदम कम भी नहीं भरना है, क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है तो ये जो पकेगा तो फूलेगा। तो आप देख सकते हैं जितना बैटर मैं भर रही हूँ आपको उतना ही इससे फिल करना है। तो इसी तरह से हम सारे सांचे के अंदर बैटर को फिल कर देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ढक्कन को हम हटा देंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अप्पो को हम पलट देंगे। यदि ये इजली से नहीं पलटाते हैं तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और पका लें। तो आप देख सकते हैं कितनी इजली से ये पलटा रहे हैं, मीन्स कि ये एक साइड से अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इन्हें हम पलट देते हैं इस तरह से। एक साइड से इनमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह से इन्हें हम पलट पलट कर दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें पका लेंगे। इन्हें पकने में ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि जो चावल है वो ऑलरेडी पके हुए हैं। अब इसे हमें ढकने की जरूरत नहीं है, अब इसे हम इसी तरह से खोल कर पका लेंगे और इसके साइड में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये नीचे वाले साइड से भी अच्छी तरह से पक सके। बिल्कुल जरा सा ही ऑयल डालना है। यहाँ पर इतना पूरा नाश्ता बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 चम्मच ऑयल का यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अप्पो को पलट पलट कर बढ़िया तरीके से पका लिया है। टेस्टी और यम्मी बचे हुए चावल के ये अप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे जरूर बनाकर खाएं और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।